हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का वीसु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट में प्लेन स्केल के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो प्रश्न है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें आपको सवाल में आरएफ नहीं दिया है, आपको आरएफ निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑन ए मैप कोई नक्शा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का दूरी, सपोज कीजिए ये एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 14 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है। दो पॉइंट के बीच का दूरी मैप पर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। बट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है। बिल्कुल वही है कि पटना से दिल्ली के बीच का दूरी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में कितना? लगभग 1200 किलोमीटर है। आरएफ क्या होगा? तो आरएफ का फॉर्मूला हम आप लोग को लिखा चुके हैं। आरएफ इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑन मैप बटे, लेंथ ऑन मैप बटे एक्चुअल लेंथ। मैप पर लेंथ कितना? दो पॉइंट के बीच का दूरी 14 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना? 20 किलोमीटर। अब आरएफ का यूनिट नहीं होता, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका 14 बटे 20 गुने 10 की पावर 5 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, दिस कैंसिल आउट। तो आरएफ आ जाएगा 27 जा 210 जा, दैट इज आरएफ इज इक्वल टू 7 बटे 10 टू द पावर 6। ये आपका आरएफ हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया कि आपके प्लेन स्केल का आरएफ कितना? 7 बटे 10 की पावर 6। ड्रॉ ए प्लेन स्केल। आपको एक ऐसा स्केल बनाना है जो कहां तक मेजर कर सकता है, विच इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 25 किलोमीटर। तो क्या आप 25 किलोमीटर का लाइन कॉपी पर खींच सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालिएगा? लेंथ ऑफ द स्केल। और लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ इज इक्वल टू हो गया 7 बाई 10 की पावर 6 इनटू मैक्सिमम लेंथ हो गया 25 किलोमीटर। अब चूंकि आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर में रीडिंग देता है, तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 से ये एक खत्म हो गया, 10 बचा, 2 5 जा है ना, या 5 2 जा, 5 5 जा, 35/2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर आपका एलओएस आया। आप 25 किलोमीटर का लाइन नहीं खींच सकते हैं, लेकिन 17.5 सेंटीमीटर का तो लाइन खींच सकते हैं। तो आप एक 17.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेगा, हम रफ में बता रहे हैं, आप एक 17.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचिएगा। ये दिख तो रहा 17.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 17.5 नहीं है, ये 25 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम लोग को इसको डिविजन्स में बांटना है। कैसे बांटेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक जो भी चीज बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक जो भी चीज लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, जब आपका एलओएस आ गया 17.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका जो ये पेज है ड्राफ्टर को इससे मिलाइए। टाइट कर लीजिए। अब आप अपने कॉपी पर कहीं पर भी कोई भी रेखा खींचिएगा। है ना, पहले इसको इससे मिला लीजिए, उसके बाद आप अपने कॉपी पर कोई भी रेखा खींचिएगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो 17.5 सेंटीमीटर का आप एक लाइन ले लीजिएगा। दिख तो रहा 17.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 17.5 नहीं है, ये 25 किलोमीटर है। तो दूसरा काम है स्केल को यूनिट डिवीजन में बांटना। उसके लिए मैक्सिमम लेंथ को देखिए क्या है, मैक्सिमम लेंथ कितना है? 25 किलोमीटर। निश्चित तौर पर 25 किलोमीटर को 25 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में एक एक किलोमीटर आएगा।
लेकिन आप 25 भाग में नहीं बांट सकते। अगर मैक्सिमम लेंथ 300 किलोमीटर होगा तो क्या आप 300 भाग में बांटिएगा? शाम हो जाएगा बांटते बांटते। मैक्सिमम 10 डिवीजन तक आप कर सकते हैं। तो जब आपका डिवीजन 10 से ज्यादा हो जाए, जैसे ये 25 किलोमीटर है तो 25 भाग में बांटेंगे तब ना 1 किलोमीटर आएगा। मतलब इसको यूनिट डिवीजन में बांटने के लिए आपको 25 भाग में बांटना पड़ेगा, जो कि 10 से ज्यादा है, और 10 से ज्यादा हम कर नहीं सकते। तो इस समय आपको क्या करना पड़ता है, इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। आप इसको लिखिएगा 5 × 5 किलोमीटर। आप इसको 5 भाग में बांटिएगा ताकि हर एक भाग में कितना है, 5-5 किलोमीटर आ जाए। 5 भाग में तो बांट सकते हैं, क्यों नहीं बांट रहे हैं 25 भाग में? क्योंकि 10 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर मैक्सिमम लेंथ 24 होता तो देखिए 24 किलोमीटर अगर मैक्सिमम लेंथ होता तो आप 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 12 3 × 8 4 × 6 6 × 4 8 × 3। अब किसको आप चूज कीजिएगा, तो चूज करने का भी तरीका है। किसको आप लीजिए, 2 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में 12 किलोमीटर हो जाएगा, 3 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में 8 हो जाएगा, 4 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में 6 हो जाएगा, 6 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में 4 हो जाएगा, 8 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग में 3 हो जाएगा। आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, 2 से ज्यादा होना चाहिए और सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 24 किलोमीटर को बांटने का ऑप्शन क्या बचा, ये तो खत्म, 2 भाग में नहीं, 2 से ज्यादा होना चाहिए डिवीजन, 2 से ज्यादा होना चाहिए डिवीजन। आप 3, 4, 6, 8, इसमें सबसे लोएस्ट डिवीजन कौन है, 3, आपको ये सेलेक्ट करना है। आप इसको, अगर ये 24 होता तो आप इसको 3 भाग में बांटते ताकि हर एक भाग में कितना आता, 8-8 किलोमीटर आता। तो ये तरीका है बांटने का जब आपका डिवीजन 10 से अधिक हो जाता है। खैर यहां पर तो आपका 25 किलोमीटर था, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग 5 भाग में बांटिएगा ताकि हर एक भाग में 5-5 किलोमीटर आ जाए। 5 भाग में कैसे बांटिएगा, बांटने का भी तरीका है, एक एक्यूट एंगल ले लीजिएगा 30 डिग्री का। कैसे लीजिएगा, तो भाई प्रोटेक्टर से, चंद्रमा से 30 डिग्री का एंगल खींचिएगा। हम तो ड्राफ्टर से लेंगे क्योंकि मेरा ड्राफ्टर में एरर नहीं है, लेकिन आप लोग के ड्राफ्टर में एरर होगा। उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए, 1 मार्किंग ले लीजिए, 2, 3, 4, 5 इक्वल डिवीजन होना चाहिए। उसके बाद जिस लाइन को बांटना है, जिस लाइन के मदद से क्या करेंगे बताइए, एंड को एंड से मिलाइए, ड्राफ्टर साइड टाइट कीजिए। उसके बाद यहां पर लेके आइए, लाइन खींचिए, यहां पर लेके आइए पैरेलल लाइन खींचिए, यहां पर लेके आइए पैरेलल लाइन खींचिए, यहां पर लेके आइए पैरेलल लाइन खींचिए। देखिए देखिए आप लोग सब, देखिए आप लोग सब, यहां पर कितना डिवीजन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन हो गया, 5 डिवीजन हो गया। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसको छोड़ के लिखेंगे हम लोग 0, हर एक भाग में 5 किलोमीटर है, तो 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, क्या है किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 20 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया भाई, 25 किलोमीटर। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कैसे यूनिट डिवीजन को बांटा जाए, कैसे डिवीजन में आप एलओएस को बांटिएगा, ठीक है, जब 10 से अधिक आपका डिवीजन होने लगे तो। चलिए इसके बाद मार्जिन लेते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर का। चलिए आपका स्केल बनके तैयार हो गया, ये आपका स्केल बनके तैयार हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और इतना काम कीजिए आप लोग सब। इसके बाद क्या करना है, आपको शो करना है क्या, देखिए 17 किलोमीटर, तो तरीका देखिए 17 के पहले कौन सा वैल्यू दिख रहा है, 15 किलोमीटर, तो 17 को तोड़िए, 15 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 15 तो आ गया, 2 कहां से लाए,
तो बोलेंगे एक भाग में 5 किलोमीटर है सर, इसीलिए इसको 5 भाग में बांट दीजिए, तो हर एक भाग में 1-1 किलोमीटर आ जाएगा, दूसरे भाग में 2 किलोमीटर आ जाएगा, इधर से 15, इधर से 2, टोटल हो जाएगा 17 किलोमीटर। बन गया सवाल आपका। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार 30 लिए तो एक बार 60 लीजिएगा, प्रोटेक्टर से 60 लीजिए, प्रोटेक्टर से 60 लीजिए, है ना, यूनिट डिवीजन यहां पर इक्वल डिवीजन लीजिए, 1-1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1-1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, जिस लाइन को बांटना है जिस लाइन के मदद से एंड को एंड से मिला लीजिए, ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए, हो गया। फिर यहां से लेके आइए, फिर यहां से लेके आइए, यहां से लेके आइए, यहां से लेके आइए, देखिए देखिए बेटा, यहां 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 यहां, बोलिए। चलिए अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, बिल्कुल डॉक्टर को इस पे पहले मिलाइए, देखिए आया समझ में, आ रहा मेरा बात समझ में। चलिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर, ये हो गया आपका। आपको सो क्या करना है, आपको सो क्या करना है, आपको सो करना है, ध्यान से देखिए, आपको सो करना है ये 2 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, और एलओएस कितना है आपका, सत्रह पॉइंट पांच सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए, जो ब्लैक वाला पेंसिल है ये एचबी पेंसिल है, याद रखिएगा, जो ग्रीन वाला पेंसिल है लाइट पेंसिल है, यानी कि 4H पेंसिल है, याद रखिएगा, 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया बताइए, 17 किलोमीटर। एलओएस कितना है आपका बोलिए, एलओएस है आपका 17.5 सेंटीमीटर, यहां ऐसा बॉक्स बनाइएगा। आरएफ कितना है, 7/10^6। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये आप लोग को कहेंगे, एडवाइस देंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो YouTube के माध्यम से आज इस वीडियो को देखिएगा, उन लोगों को समझने में परेशानी होगी क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो चुका है। आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार नहीं कीजिए कि कॉलेज खुलेगा, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा तब जाके हम लोग कोचिंग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंतज़ार कीजिएगा तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद आपके हाथ से गेम फिसल जाएगा। आप इंतज़ार नहीं कीजिए, वेट नहीं कीजिए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्या होगा कॉलेज में क्या नहीं होगा इसके लिए अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और डिप्लोमा इतना आसान भी नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ के आप निकल जाइएगा, पेपर बैक होता है इसमें, इसलिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, पॉलिटेक्निक एकेडमी का ऐप है, उसमें ग्रुप बी का भी फोल्डर है, ग्रुप ए का भी फोल्डर है, जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं आप उस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। कॉलेज खुलेगा, कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या होगा, लॉकडाउन फिर लगेगा, कौन नहीं जानता है, अभी कोई नहीं जानता अभी इसके बारे में, ठीक है। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ये तो सब जानता है,
इसलिए पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और इसको समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐप पर जाइए, इसके पीछे का जो वीडियो लेक्चर है, कुछ वीडियो लेक्चर फ्री है, उसको देखिए, समझिए कि कितनी पढ़ाई हो चुकी है। इसलिए वेट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप लोग कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।